we welcome you to the divine connection. divine connection. you know, we believe that when a person is connected with god, who is the creator, his life is changed, transformed for the better every day. and, you know, uh, the, the bible that we use in this program, जिस very, very बाइबल में से हम सिखाते हैं ये तो बहुत ही मददगार है कि हम परमेश्वर के साथ के संपर्क में जुड़ जाएं और इसमें बढ़ते चले जाएं दर्ड ऑफ गॉड इन दिस प्रोग्राम ऑलवेज एस ऑलवेज और हमेशा की तरह हम इस प्रोग्राम में परमेश्वर के वचन पर जोर देते हैं So we want टू encourage रीडिंग ऑफ दिस वर्ड हम इस वचन को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं एंड also मेडिटेट ऑन दिस वर्ड और इस वचन पर मनन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और कुछ दर्शक हमसे संपर्क कर रहे हैं कि हम उन्हें बाइबल भेजें They were very much interested in reading the Bible. वो बाइबल पढ़ने में बहुत ही दिलचस्पी ले रहे हैं एंड uh, they wanted to read the Bible in their own लैंग्वेज वो अपनी भाषा में बाइबल पढ़ना चाहते We that to who और कई बार ऐसे बहुत बाइबल इज इंपॉर्टेंट बुक देखिए बाइबल तो बहुत, बहुत महत्वपूर्ण बट वेन यू थिंक अबाउट बाइबल तो इन वी कॉल किताब वेदम uh, you know, you know, जब हम बाइबल के बारे में सोचते हैं जिसे हम तमिल में वेदम कहते हैं द बाइबल कम्स मीनिंग बुक देखिए बाइबल शब्द का अर्थ तो किताब होता है या कहिए ये एक पुस्तक है सो बाइबल सिंपली मीन्स बुक बाइबल का सरल अर्थ है कि ये एक किताब है पुस्तक है इट कम्स फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज एंड द सेम आइडिया ऑफ बुक एंड विच इज दुक वी वॉन्ट टू टॉक अबाउट टूडे और ये शब्द तो ग्रीक भाषा से आया है जिसका मतलब है किताब एकमात्र किताब जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे टूडे आई बेसिकली वॉन्ट टू एड्रेस यू नो एंड मोटिवेट यू टू रीड द बाइबल आज मैं बुनियादी रूप में आपको बाइबल पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूँ आई बिलीव दैट यू कैन फॉलो वेरी वेरी स्ट्रिक्ट एंड इन डिसिप्लिन मैनर इन योर लाइफलीथ गॉड विल इंप्रूव मैं विश्वास करता हूं कि अगर आप सटीकता से और अनुशासित रूप में इसे पढ़ते चले जाएंगे तो आपका आत्मिक जीवन बढ़ेगा सो वी नीड टू अंडरस्टैंड वॉट इज द बाइबल हमें समझ होगा कि बाइबल क्या है परमेश्वर ने इसे 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 मनुष्यों को क्यों क्यों दिया है? हमें हमें पढ़ना पढ़ना चाहिए? हमें कैसे पढ़ना चाहिए? कैसे uh, 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 आने वाले कुछ हफ्तों में हम इसी बात पर गौर करने वाले हैं एंड बाइबल इज बेसिकली God's means to reveal Him to us. Bible, बुन्यादी रूप में परमेश्वर का वो माध्यम है जिससे वो खुद को हमपर प्रकट करते हैं। And God reveals Himself to us in so many ways. और परमेश्वर बहुत से मार्गों के द्वारा खुद को हमपर प्रकट करते हैं। In the uh, for a long, long time back, I have mentioned that uh, in in one of the programs that heavens declare the glory of God and earth proclaim His wonders. हमारे प्रोग्राम में बहुत समय पहले मैंने आपको बताया कि जो स्वर्ग है वो परमेश्वर की महिमा को घोषित करता है और पृथ्वी उसके आश्चर्य के कामों को बताती है उसके महान कामों का वर्णन करती है सो वेन यू लुक एट दर्थ दर्थ यू फाइंड नॉलेज ऑफ गॉड जब आप आकाश को देखते हैं जब आप पृथ्वी को देखते हैं तो आप परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करते हैं बट दिस बाइबल इज इवन मोर Specifically reveals about this God. लेकिन ये जो बाइबल है ये तो इस परमेश्वर के बारे में बहुत ही सटीकता से हमें प्रकट करके बताती है इसीलिए इस प्रकाशन को हम परमेश्वर की और से विशेष प्रकाशन के रूप में देखते है एंड दिस इज नॉट द जनरल रेवल फ्रॉम स्काई अर्थ मून स्टार्स और ये तो आकाश चांद तारे की ओर से आने वाला कोई सामान्य प्रकाशन नहीं है ये तो बहुत ही विशेष ऐसा प्रकाशन है बिकॉज दैट इज अवेलेबल फॉर एवरीबडी क्योंकि वो तो सभी के लिए उपलब्ध है But this is available for only those people who are interested. लेकिन ये तो केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो कि दिलचस्पी लेते हैं उनके लिए उपलब्ध है इट इज अवेलेबल फॉर पीपुलट जो इसे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए उपलब्ध है इट इज अवेलेबल फॉर पीपल हु रिक्वेस्ट फॉर इट जो लोग इसके लिए विनती करते हैं उनके लिए उपलब्ध है इट इज अवेलेबल फॉर पीपल हु पे एंड गेट इट एंड रीड इट फॉर देम सेल्व ये उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो इसके लिए दाम चुकाते हैं इसे खरीदते हैं और पढ़ते हैं Therefore, you have to show some interest. It is not freely available for anybody and everybody. आपको दिलचस्पी दिखानी होगी क्योंकि ये सभी के लिए मुफ्त में उपलब्ध नहीं है सो गॉड वॉन्ट्स टू मेक हिस वर्ल्ड नोन टू पीपल परमेश्वर तो अपना वचन लोगों को बताना चाहते हैं ही वॉन्ट्स टू मेक हिसील्ड टू पीपल वो चाहते हैं कि उसकी इच्छा लोगों पर प्रकट हो जाए इन द बुक ऑफ आइस चैप्टर फोर्टी टू वर्स ट्वेंटी वन वी रीड लाइक दिस यश अध्याय बयालीस वचन इक्कीस में हम इस तरह से पढ़ते हैं इट प्लीज द लॉर्ड फॉर द सेक ऑफ हिस राइट टू मेक हिस लॉ ग्रेट एंड ग्लोरियस यहा को अपनी धार्मिकता के निमित्त ही ये भाया की व्यवस्था की बढ़ाई अधिक करे यशा बयालीस वचन इक्कीस हमें इस तरह से बताता है ही वॉन्ट्स टू मेक हिस ग्रेट एंड ग्लोरियस वो अपनी व्यवस्था को महान और महिमा में बनाना चाहते हैं हाउ कैन ही मेक हिस वर्ड ग्रेट एंड ग्लोरियस वो कैसे अपने वचन को महान और महिमा में बना सकते हैं नो जस्ट बाई मेकिंग इट शाइन बस इसे तेजो में बनाने के द्वारा नो 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 नहीं बाई मेकिंग पीपल टू रीड इट लोगों को इसे पढ़ने देने के द्वारा बाई मेकिंग पीपल टू फॉलो इट

दिस वर्ड ऑफ गॉड इज ग्रेट एंड ग्लोरियस आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों परमेश्वर का ये वचन महान और महिमा में है सो यू कैन रीड इट रेगुलरली हम इसे नियमित रूप में पढ़ते जाए प्रैक्टिस इट इसका अनुकरण करते जाए कैन बी ब्लेस्ड बाईट और आप इसके द्वारा आशीष पा सके यू नो वी मेक इट एस ए डिसिप्लिन टू रीड गॉड्स वर्ड हमें अनुशासित रूप में परमेश्वर के वचन पढ़ने की आदत बना लेनी चाहिए एंड सम पीपल यू नो यूज दिस बाइबल Uh, inappropriately or uh, in a wrong way देखिए कुछ लोग बाइबल को सही तरीके से उपयोग नहीं करते या कहिए गलत तरीके से उपयोग करते हैं uh, some people think you know uh, i have to have a big bible कुछ लोग सोचते हैं कि मेरे पास में बड़ी बाइबल होनी चाहिए only if i have a big bible uh, god is pleased अगर मेरे पास बड़ी बाइबल होगी तो परमेश्वर प्रसन्न होंगे ये सोचते हैं Only if I have a big Bible, other people will know I am a spiritual man. अगर मेरे पास बड़ी Bible होगी, तो दूसरे लोग जानेंगे मैं आत्मिक व्यक्ति हूँ। No, 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 no. Please don't think like that. नहीं, इस तरह से मत सोचिए। Whether big or small, Bible is Bible because uh, it is not uh, based on the size of uh, the book that you have. It is the words that are in it that matters. आप देखिए, चाहे Bible बड़ी हो या छोटी हो, इसके अंदर जो वचन है, वो मायने रखते हैं। वो महत्वपूर्ण होते हैं say, oh, मैंने लोगों को ये कहते सुना कि मुझे बुखार आया था मैंने सिर के नीचे बाइबल रखी और सो गया और बुखार चला गया

मेश्वर का प्रकट किया गया वचन है इसके अंदर जो वचन है वो सामर्थ्य है डोंट यूज uh, really लोगों को ये दिखाने के लिए उपयोग मत कीजिए कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। सेम टाइम आई वुड सजेस्ट ट्रीट द द बाइबल दैट इज़ इफ यू हैव वन इन योर हैंड्स फिजिकल कॉपी ऑफ इट विद रेस्पेक्ट और उसी के साथ मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आपके पास बाइबल है तो बड़े आदर से इसके साथ व्यवहार कीजिए व्हाई आई से वर्ड ऑफ गॉड रिटन एंड गिवन टू अस एंड वी ऑल्सो मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि तो परमेश्वर का लिखित वचन हमें दिया गया है और हमारी परंपरा ऐसी है कि हम पवित्र किताबों का आदर करते हैं उन्हें बहुत सम्मान देते हैं सो कीपिंग ऑल दैट इन माइंड दिस इन माइंड एस वी स्टडी अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड

Jesus Christ, the Son of God. बाइबल ऐसी किताब है जो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रकट करके बताती है यीशु जो परमेश्वर का पुत्र है यू मे बी विंग यू नो वाई शुड द बाइबल रिवील दैट टू अस शायद आप ये सोच रहे होंगे कि बाइबल हम पर यह क्यों प्रकट करती है आई बिलीव इट इज अ परमानेंट रिकॉर्ड दैट गॉड हैड क्रिएटेड

मैं पढ़ना चाहता हूँ रोमियो अध्याय एक वचन एक दो और तीन पॉल सर्वेंट ऑफ क्राइस्ट जीसस कॉल टू बी एन अपोसल एंड सेट अपार्ट फॉर द गॉस्पल ऑफ गॉड द गॉस्पल ही प्रॉमिस्ड बिफोर हैंड थ्रू हिस्स प्रॉफिट इन द होली स्क्रिप्चर्स रिगार्डिंग हिस्सन लाइफ वॉज अ डिसेंडेंट ऑफ डेविड देखिए यहां पर ये वचन हमें बताता है रोमियो अध्याय एक वचन एक दो और तीन में हम यहाँ पर पढ़े तो ये बात पाते हैं जहाँ पर पॉलुस हमें इस तरह से लिखकर इस तरह से बताता है पॉलूस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी वो शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ सो आई वॉन्ट यू टू नोटिस दैट टर्म वेरी इंपॉर्टेंटली प्रोमिस्ड बिफोर हैंड थ्रू हिस्स प्रॉफिट इन द होली स्क्रिप्ट परमेश्वर का वो सुसमाचार जो उसने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में बताया है इस तरह ये ये कहता है दैट इज रिगार्डिंग हिज सन जीसस तो उसके पुत्र यीशु मसीह के बारे में है सो वॉट इजनिंग टू नो अबाउट जीसस एक्चुअली बाइबल इज द बेस्ट सोर्स अवेलेबल यहाँ पर देखिए अगर आप यीशु मसीह के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो बाइबल सबसे उत्तम ऐसा स्रोत है सबसे उत्तम जरिया है विजन ऑफ जीसस बहुत से लोग ये कहते हैं कि मैंने प्रभु यीशु मसीह का दर्शन देखा है यीशु के बारे में मुझे बताया ऑल दि एक्सपीरियंस सेट असाइड सेट अपार्ट बट आई वॉन्ट टू टेल यू दैट द बाइबल इज वेरी यूनिकली वेरी क्लियरली destined by गॉड टू रिवील हिज सन To all of us. ये सारे जो हैं, उन्हें बाइबल जो है वो यीशु मसीह को हम पर बहुत ही अद्भुत रीति से प्रकट करती है सो वेन पीपल वॉन्टेड इन द लाइफ ऑफ जीससूरिंग द न्यूमेंट टाइम्स

The apostles used and even Jesus Christ used is the Scriptures. इसीलिए जब भी यीशु मसीह के जीवन के बारे में कुछ जानना है तो प्रेरितों ने और यहाँ तक कि यीशु मसीह ने वचनों का उपयोग किया on the road to Emmaus. इस घटना को मत भूलिए के के मार्ग पर थे और वो चेले यीशु के पुनरुत्थान के बारे में संदेह कर रहे थे they did not believe. उन्होंने विश्वास नहीं किया But they knew about Jesus. पर वो यीशु के बारे में जानते थे they have seen Jesus. उन्होंने यीशु को देखा था पर्सनली with विद

अध्याय 24 वचन 27 कहता है तब उसने मूसा से और सब भविष्य से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया इस तरह से ये बात यहाँ पर दिलचस्प रूप में हम देखते हैं सो फ्रॉम explained फ्रॉम ऑल द about him. यानी मूसा से सारे भविष्यवक्ताओं तक यीशु ने खुद बताया कि उसके बारे में क्या लिखा है उसे समझाया so, अब देखिए ये जो वचन है ये यीशु मसीह को हम पर प्रकट करते हैं आई थिंक दैट इज मेन पर्पस यही तो मुख्य उद्देश्य है जिसके लिए परमेश्वर ने बाइबल हमारे हाथों में दी है यहाँ पर जाने टू अंडरस्टैंड ए मोर की उसे हम समझे एंड बाइबल इज हेल्पिंग विद गॉड और बाइबल परमेश्वर के साथ जुड़ने में हमारी मदद करती है सो इन इन वॉट वे इज बाइबल इज

Gave the word of God, that is the Bible, to रिवील हिस्सन पॉसिबल वे इट वॉज और परमेश्वर ने बाइबल यानी उसका वचन हमें दिया है की उसके पुत्र को हर तरीके ऐसी हम पर प्रकट करें बिकॉज क्राइस्ट वीविंग इन दिस वर्ल्ड क्योंकि जब यीशू इस पृथ्वी पर जी रहे थे उस समय हमने को नहीं देखा है। ago, साल पहले वो इस पृथ्वी पर रहते थे बट आफ्टर ईजन अपन सी हिम लेकिन उसके स्वर्ग में उठाए जाने के बाद में हमने उसे नहीं देखा है बट वेन यू रीड द बाइबल यू लर्न

एवरी एस्पेक्ट दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि बाइबल हर दृष्टिकोण में हमारी अगुवाई करने वाली किताब है हर क्षेत्र में ये हमारी अगुवाई करती है वॉट डू आई मीन इसका क्या अर्थ है you know, It's covering all the aspects of life. यानी इसमें जीवन के हर एक क्षेत्र जुड़े हुए हैं I mean to say that Bible talks about my life on earth. मैं ये कहना चाहता हूं कि बाइबल इस पृथ्वी पर मेरे जीवन के बारे में कहती है bible talks about the food that i am going to eat that i am eating every day Bible us about I eat every day. proverbs 23 20 to 21 says like this do not join those who drink too much wine or gorge themselves on meat uh, for drunkards and gluttons become poor and drowsiness clothes them in rags. नीति वचन तेईस बीस और 21 कहता है डाक मधु के पीने वालों में न होना न मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना क्योंकि पियक कर और पेटू अपना भाग खोते हैं और पीने वालों को चिथड़े पहनने पड़ते हैं सो बाइबल टॉक्स अबाउट हाउ आई शुड ईट यू नो आई शुड ईट विद लिमिट बाइबल हमें बताती है कि हमें कैसे खाना चाहिए हमें एक सीमा में होकर खाना चाहिए I should not be a glutton. मुझे पेटू नहीं होना चाहिए। And Bible talks about sleep. और बाइबल नींद के बारे में भी बताती है And इन द बुक ऑफ Proverbs 20:13, do डू नॉट sleep. स्लीप और यू ग्रो poor. नीति वचन बीस तेरह कहता है नींद से प्रीति न रख नहीं तो दरिद्र हो जाएगा

Power, with all my मुझे कैसे अपनी पूरी शक्ति के साथ में काम करना चाहिए इन द बुक अबाउट रिलेशनशिप रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इफिस से लेकर अध्याय छह वचन चार तक हम संबंधों के बारे में पढ़ते हैं पति और पत्नी के बीच का संबंध भी यहाँ पर बताया गया है इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं वाइफ uh, relate रिलेट her हर हस्बैंड पत्नी को अपने पति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए How parents must deal with their children. कैसे माता पिता को अपने बच्चों से व्यवहार करना चाहिए How servants must obey their ओबेर कैसे दासों को अपने स्वामी से व्यवहार करना चाहिए बाइबल साइकोलॉजी के बारे में बताती है बाइबल टॉक्स अबाउट काउंसिलिंग बाइबल सलाह देने के बारे में बताती है दोस्तों बाइबल तो गाइड है ये हम सबके लिए जी Even रेखा है एंड दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट और इसलिए यह महत्वपूर्ण है सो इट इज नॉट जस्ट फॉर दिस लाइफ ये केवल इसी जीवन के लिए नहीं है बाइबल ऑल्सो टॉक्स अबाउट लाइफ डेथ बाइबल तो मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में भी हमें बताती है लाइफ इज वी आर लिविंग नाउ पृथ्वी का जीवन है जिसमें हम अभी जी रहे हैं इज अ लाइफ इज कॉल्ड इटर्नल लाइफ और अनंत जीवन भी होता है अ लाइफ अर स्पिरिट्स आर गोइंग टू लिव विद गॉड फॉर एवर एंड एवर ऐसा जीवन जहाँ पर हमारी आत्मा परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए रहेगी Bible talks about that as well. Bible उसके बारे में भी बताती है so ना तीन सोलह परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा की अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो अनंत जीवन पाए यीशु so यानी परमेश्वर ने अपने पुत्र मसीह के द्वारा हमें अनंत जीवन दिया है थ्रू जीसस क्राइस्ट दाइफ is promised to अस यीशु मसीह के द्वारा हमसे अनंत जीवन की प्रतिज्ञा की गई है एंड दैट the importance ऑफ द बाइबल और यही तो बाइबल का महत्व है इट गाइड्स आर लाइफ इन एवरी एस्ट हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में यह हमारी अगुवाई करती है मार्गदर्शन करती है एंड फाइनली आई वांट टू टेल यू दैट बाइबल एंड द वर्ड्स ऑफ द बाइबल विल नेवर पास अवे और अंत में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल और बाइबल के जो वचन हैं वो कभी नहीं टलेंगे इन द बुक ऑफ मैथ्यू इन द गॉस्पल ऑफ मैथ्यू जीसस मत्ती मचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने इसके बारे में बताया है इन द फिफ्थ चैप्टर वी रीड फॉर ट्रूली आई टेल एनी डिस From the law until is मत्ती पाँच क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा इस तरह से स्वयं यीशु मसीह ने यहाँ पर इस वचन में बताया है आप पूरे नए नियम में पाएंगे की पुराने नियम के वचनों को पूरे होने के लिए यहाँ पर ज्यादा महत्व दिया गया है सो इन वर्ड वे वाइबल दूसरे शब्दों में मैं ये कह रहा हूँ की बाइबल जो भी कहती है वो बात बिल्कुल सच है इट के नॉट बी चेंज ये बदल नहीं सकती है, है, तो है. तो साइंस जब ये विज्ञान के बारे में हमें बताती है एंड इट इज ट्रू और ये बात भी सच है इन द बुक ऑफ जॉब चैप्टर ट्वेंटी सिक्स सेवन बी रीड लाइक दिस ही स्प्रेड द नॉर्द स्काईस ओवर एम टी स्पेस ही सस्पेंड्स द अर्थ ओवर नथिंग अयुब छब्बीस सात कहता है वो उत्तर दिशा को निराधार फैलाए रहता है और बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रहता है इस तरह अयूब में पृथ्वी के बारे में हमें बताया गया है ऐसे हम यहां देख सकते हैं सो ही सस्पेंड अर्थ ओवर नथिंग यू नो अर्थ इज हैंगिंग विदाउट एनी सपोर्ट यू नो इट इज इट्स इट्स गॉड्स डूइंग बाइबल कहती है वो पृथ्वी को बिना टेक के लटकाए रहता है यानी वो किसी के सहारे नहीं And Bible already mentioned it a long time back. और देखिए इसके बारे में निश्चय ही मैंने आपको बहुत पहले बताया है कि परमेश्वर तो सृष्टि करता है Before scientists could find out. Uh. इसके पहले कि वैज्ञानिक इन बातों का पता चलाए In the book of Isaiah chapter 40 verse 22 we have another very important fact. यशाया अध्याय 40 वचन 22 में एक महत्वपूर्ण सच्चाई बताई गई है. He sits enthroned above the circle of the earth. वो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है. And uh, that is a fact uh, that when people found out uh, Galileo found out uh, and communicated it uh, people actually condemned him. ये सच्चाई है जो गैलीलियो ने पता लगाई और जब उसने लोगों को बताया तो लोगों ने उसको पर दोष लगाए उसे नहीं माना एंड इट इज वर्ड ऑफ गॉड वेरी क्लियरली कम्युनिकेटेड दीज फैक्ट्स, बिकॉज ऑल दीस आर ट्रू फ्रेंड्स देखिये परमेश्वर के वचन में ये सारी सच्चाई स्पष्ट बताई गई है क्योंकि ये सारी बातें असली हैं, सच्ची हैं। यू नो वाई जानते हैं क्यों बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम गॉड क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से आता है गॉड बिकॉज ही इज क्रिएटर परमेश्वर जानते हैं वो सृष्टि करता है एंड ही ओनली मेड ऑल थिंग्स और उसी ने ये सब कुछ बनाया है एंड वी डिपेंड ऑन गॉड द बाइबल इज ट्रू और इसलिए हम परमेश्वर पर आधारित रहते हैं और बाइबल सच्ची है एंड वास्तविक है दैट्स वाई आई एनकरेज यू टू रीड द बाइबल इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि आप बाइबल पढ़िए। यू नो देर एस अ पर्सन बाय द नेम ऑफ एजरा बाइबल में देखते हैं एज़रा नाम का एक व्यक्ति था एंड वन ऑफ द अमेजिंग थिंग्स दैट इज सेड अबाउट एजरा इज दिस ऐजरा के बारे में यहाँ पर महत्वपूर्ण बात बताई गई है

ट जैसे हम इस नए साल में प्रवेश कर चुके हैं मैं चाहता हूँ आप आपको चाहिए, तो आप हमें निश्चय एंड आई वुर्ड ऑफ गॉड एंड कंटिन्यू टू वेट ऑन गॉड मैं चाहता हूँ आप परमेश्वर का वचन पढ़े और उसकी बात जो होते रहे